अस्सलाम वालेकुम भाई गैंग, कैसे हैं आप लोग? तमाम लोग ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग होंगे ज़बरदस्त से मज़े में, एंजॉय करेंगे मेरे व्लॉग्स को और जुड़े रहेंगे मेरे चैनल के साथ। तो भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं और कंटेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे काफ़ी इंडिविजुअल ईमेल्स भी आई हैं, मैंने उन तमाम ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। कुछ ईमेल्स बाकी हैं, उनको भी मैं एक आध दिन में रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और आपकी जो भी जर्नी है स्टूडेंट वीज़ा की, वर्क वीज़ा की या इमिग्रेशन की, उसमें जितना भी मैं हेल्पफुल साबित हो सकूँ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो भाइयों आज कुछ डिस्कशन करते हैं कि यार अगर आपके पास 6 पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे एंड इफ़ यू आर अनएबल टू अटेन 6 पॉइंट्स इन द न्यू सिस्टम ऑफ इमिग्रेशन लेड बाय इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, तो आपके पास क्या पाथवेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए, कोई भी स्ट्रीम के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहे इस व्लॉग में, मैं डिस्कस करूँगा कि यार क्या वर्क अराउंड हैं जो आप ले सकते हो इन ऑर्डर टू अटेन द इमिग्रेशन फॉर न्यूजीलैंड। तो भाई वो डेफिनेटली ऐसी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जिन ऑप्शंस को आप लेते हुए अपने रिमेनिंग पॉइंट्स पूरे कर सकते हो अगर आप 6 पॉइंट्स अटेन नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, यानी कि एजुकेशन में, क्वालिफिकेशंस में, ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन में या इनकम में अगर आपके 6 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तो कुछ ऐसे वर्क अराउंड अवेलेबल हैं जिनको लेते हुए आप अपने 6 पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो और उनको कम्प्लीट कर सकते हो और इमिग्रेशन हासिल कर सकते हो न्यूजीलैंड की। जी तो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास 6 पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो आपको मैं एक अच्छा सा वर्कराउंड बताता हूँ। आप एक एजुकेशनल डिग्री हासिल करो न्यूजीलैंड में, जो कि मास्टर्स डिग्री हो इफ़ यू हैव बैचलर्स डिग्री ऑलरेडी, और अगर आपके पास बैचलर्स ऑनर डिग्री है तो आप मास्टर्स में इनरोल हो जाओ किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, मास्टर्स डिग्री को अटेन करो। जी तो दोस्तों, ये इमेज जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप टॉप लेफ्ट पर देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में वो बता रहा है कि आपके पास 5 पॉइंट्स आ जाते हैं अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, और आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है ऑनर्स के साथ, और आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है या फिर सिंपल बैचलर्स डिग्री है। तो इन ऑर्डर टू अटेन 1, 2 एंड 3 रिमेनिंग पॉइंट्स इन ऑल दीज 3 ऑप्शंस, वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू अ स्किल्ड वर्क इन न्यूजीलैंड और एनी वीज़ा विच इनेबल्स यू टू गेट द रिक्वायर्ड 6 पॉइंट्स। तो इस तरह आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हो, यहाँ पे आके आप 1 साल 2 साल या 3 साल काम कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, और ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स जब एड इन होंगे आपके एजुकेशन के अंदर तो आपके टोटल पॉइंट 6 हो जाएंगे। डेट विल इनेबल यू टू सिक्योर स्किल्ड माइग्रेट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा एंड फाइल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टरवर्ड्स। तो ये सबसे बेस्ट पाथवे है इन ऑर्डर टू सिक्योर योर इमिग्रेशन इन फ्यूचर। और जिनके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है वो ये भी सोच सकते हैं कि यार मास्टर्स आप यहाँ से आके करो न्यूजीलैंड में, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास 5 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे आ जाएंगे न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन के, प्लस उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन मिल जाएगा 3 ईयर्स के लिए, वो उस वीज़े के ऊपर आप 3 साल तक काम कर सकते हो। उन 3 सालों में अगर आपने 1 साल भी काम कर लिया तो आपके पास 6 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, और जैसे ही आपके 6 पॉइंट्स पूरे होते हैं यू कैन अप्लाई फॉर स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा एंड फाइल योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट इज़ द बेस्ट पाथवे अराउंड, दैट वे यू विल गेट 6 पॉइंट्स दैट आर एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग द इमिग्रेशन, एंड यू कैन फाइल योर केस इन स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी। फाइनली आप अटेन करोगे उस पाथवे को जो आपको लीड करेगा टू गेट एन इमिग्रेशन इन न्यूजीलैंड। आई होप दोस्तों आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा इन ऑर्डर टू अटेन द रिमेनिंग पॉइंट्स आउट ऑफ 6 टू गेट योर केस डन फॉर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। आफ्टर गेटिंग दैट 1 पॉइंट यू विल हैव 6 पॉइंट्स इन टोटल एंड यू कैन क्वालिफाई योर सेल्फ टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी वीजा एंड फाइल योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और भाई वो थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन यार ये है जो बड़ा ही मजे का ऑप्शन है, या आप कह सकते हो कि ट्रिकी या क्लेवर ऑप्शन है। यू विल हैव अ क्लेवर मूव इफ़ यू गेट दैट ऑप्शन। और वो ऑप्शन ये है कि यार आप फाइंड करो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम हो या डिग्री प्रोग्राम हो जो इनेबल करे आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए। दे आर वेरियस डिप्लोमा प्रोग्राम विच इवेंचुअली इनेबल्स यू टू गेट 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑप्शन। तो अगर आप 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन ले लो और वर्क वीज़ा अटेन कर लो आफ्टर गेटिंग अ डिप्लोमा फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो आप यहाँ पर काम करो अपने स्किल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर और स्किल्ड एरिया के अंदर जिसमें आपने डिप्लोमा लिया। अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 4 पॉइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप 2 साल अपना काम कर लो अपनी स्किल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जिसके अंदर आपने डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम किया है, तो दैट विल गिव यू 2 मोर पॉइंट्स, और आफ्टर गेटिंग 2 पॉइंट्स यू विल हैव 6 पॉइंट्स इन टोटल एंड यू कैन इवेंचुअली फाइल योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन स्किल माइग्रेशन कैटेगरी फॉर न्यूजीलैंड। यार सबसे मज़े का ऑप्शन क्या है? सबसे मज़े का ऑप्शन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी है। न्यूजीलैंड में कंस्ट्रक्शन और हेल्थ के शोबे में काफ़ी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़रूरत है लोगों की, और
काफ़ी शॉर्टेजेस हैं, जिसके लिए आप ये कर सकते हो, अपनी क्वालिफिकेशंस को रजिस्टर करो न्यूजीलैंड काउंसिल के साथ। टीचिंग के अंदर भी आप कर सकते हो, हेल्थ के अंदर भी कर सकते हो, और आप कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की जॉब्स के अंदर भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि आप अपने सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन लोगे रिस्पेक्टिव काउंसिल से जो न्यूजीलैंड में काम कर रही है, और आफ्टर गेटिंग दोज रजिस्ट्रेशन यू विल गेट एवेंचुअली 4, 5 or 6 पॉइंट्स, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट 6 पॉइंट्स यू कैन स्ट्रेट अवे फाइल योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन स्किल माइग्रेशन कैटेगरी। भाइयों, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं विद रिगार्ड्स टू ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशंस, और ये किस तरह पॉइंट सिस्टम वर्क करेगा, और कैसे आप 1 ईयर या 2 ईयर की क्वालिफिकेशन लेने के बाद स्किल माइग्रेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, तो डू राइट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और मेरी कोशिश ये होगी कि आपकी इस पूरी जर्नी को स्मूथ किया जाए और ईजी बनाया जाए। तो भाई, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने लाइक किया होगा। ऐसे ब्लॉग्स के पीछे यार काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिसर्च थिंग्स टू गेट यू द वर्क अराउंड टू अटेन द इमिग्रेशन एंड हेल्प यू आउट। तो उम्मीद है भाई आपको ये वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो यार, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इन ऑर्डर टू गेट ऑल दोज डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान या इंडिया में काम कर रहे हैं और उनका ड्रीम है न्यूजीलैंड में आना ऑन अ वर्क वीज़ा, और वो पूरी गाइड होगी आपके लिए इन ऑर्डर टू अटेन द पाथवे, कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो ग्रीन लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, और आफ्टर टेकिंग दोज ऑक्यूपेशन इन टू द कंसिडरेशन आप बहुत ईजिली अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हो। यूजिंग दोज ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन आपकी जर्नी काफ़ी ईजी हो सकती है टू अटेन वर्क वीज़ा इन न्यूजीलैंड एंड एवेंचुअली अ स्किल माइग्रेशन रेजिडेंट वीज़ा एज वेल। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि यार यही है वो एप्रिसिएशन है जो आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है और काफ़ी मोटिवेटिंग होती है मेरे लिए टू गेट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड फॉर यू टू मेक अ वीडियो विच विल एवेंचुअली हेल्प यू टू अटेन योर गोल्स एंड ड्रीम्स।